सात का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति में अधिकतर सात ही क्यों होते हैं, जैसे रेनबो में सात कलर्स, सात कंटिनेंट इत्यादि। यही सवाल उसके भी मन में था जिसका नाम रफेलो था। वह हमेशा यही रहस्य जानने की कोशिश में लगा रहता था, इसीलिए उसने साइंस का रास्ता चुना। पर वह सिर्फ सात कलर्स के बारे में ही पता कर पाया कि सन से सफ़ेद लाइट आती है जिसमें सात कलर्स होते हैं और अर्थ के एटमोसफेयर में आने के बाद स्कैटर हो जाते हैं। पर इस जवाब से भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, इसीलिए अब वह भगवान के शरण में चला गया। लेकिन फिर भी उसे जवाब नहीं मिला। यहाँ तक उसने चारों वेद पढ़ लिए लेकिन उसे वहाँ भी जवाब नहीं मिला। तभी उसे याद आया कि इन्हीं किताबों में उसने पढ़ा था कि जिसका जवाब भगवान नहीं दे सकते उसका असुरा देता है, इसीलिए वह शैतान की शरण में चला गया। फिर शैतान ने उसके आगे एक शर्त रखी कि तुम्हें अपनी आत्मा मुझे देनी होगी, लेकिन उसमें जिज्ञासा इतनी थी कि उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। तब शैतान ने उसे कहा कि तुम्हें सात फ्लोर की बिल्डिंग से जंप करना होगा, जैसे जैसे एक एक फ्लोर तुम नीचे गिरोगे वैसे वैसे एक एक रहस्य तुम्हें पता चलते जाएंगे। पहले तो उसने मना किया लेकिन कुछ दिन सोचने के बाद उसने हाँ कर दी और सेवन फ्लोर से जंप कर गया। जैसे जैसे वह नीचे आ रहा था वैसे वैसे उसे सभी रहस्य पता चलते जा रहे थे और अब वह लास्ट फ्लोर पहुँचा। वह बहुत खुश हुआ कि अब तो मुझे सब कुछ पता चल गया है, अब मैं पूरी दुनिया को यह बताऊँगा। लेकिन वह यह भूल गया कि वह नीचे गिर रहा है और वह धड़ाम से नीचे गिरा। साथ ही यह राज भी किसी को पता नहीं चला क्योंकि उसके लिए वह जिंदा बचा ही नहीं था। खैर आज इतना ही, आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।